मणिपुर पर प्रधानमंत्री का संसदीय मौन जारी है। न जाने देश के 56 इंची प्रधानमंत्री को ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया है कि वो मणिपुर पर नाप तौल कर शब्द खर्च कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री के भक्त, माफ कीजिएगा, खुद को देशभक्त मानने वाली एक पूरी ब्रिगेड मणिपुर पर एक खास किस्म का मौन बरत रही है। मणिपुर की बात करो तो पहले वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बात कर लेना चाहते हैं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे, जैसे मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों बराबर हों। वैसे तो देशभक्तों की एक खास टोली चीख चीख कर हर बात पर दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती है और उन्हें देती है, लेकिन इनके कंठ में तब से लकवा मार गया है जब से कारगिल में जंग लड़ने वाले फौजी ने रो रो कर अपनी पत्नी के साथ मणिपुर में हुई ज्यादती को बयान किया है। वैसे भक्तों की एक खास ब्रिगेड हर बात में कूद कर फौज और फौजियों के साथ खड़ी हो जाना चाहती है, लेकिन एक पार्टी विशेष के देशभक्त अब इस समय आंख बंद करके धृतराष्ट्र हो जाना चाहते हैं। कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है, इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर सर से झुक गया है। प्रधानमंत्री इतने बेशर्म है कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वैसे हाल सिर्फ इतना ही होता तो बात होती, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा समय इतिहास के पन्नों में एक अश्लील चुटकुले की तरह दर्ज होना चाहता है। जहां एक तरफ मणिपुर की शर्मनाक घटनाओं पर इस देश की स्वयंभू देशभक्त पार्टी बीजेपी मौखिक लकवे का शिकार है, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री कुछ अलग ही रिकॉर्ड कायम करने के पीछे पड़े हुए हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार इंसानों की हिंसा नहीं रोक पा रही, महिलाओं का चीर हरण नहीं रोक पा रही, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार चूहे की हत्या करने पर इंसानों को जेल में ठूंस रही है। जी हां, नोएडा के सेक्टर 66 में जैनूल नाम के एक शख्स को यूपी पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया। जैनूल नोएडा में बिरयानी की दुकान चलाता था और गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले सुदर्शन टीवी वालों ने बाइक से चूहा कुचलने का उसका एक वीडियो वायरल किया था। जब जैनूल को गिरफ्तार किया गया तो सुदर्शन टीवी के मुखिया सुरेश चौहानके ने इस बात का जश्न भी मनाया कि चूहा मारने के आरोप में जैनूल को गिरफ्तार करके बड़ी बहादुरी का काम किया गया है। हालांकि बाद में जब इस मामले पर थूथू होने लगी तो यूपी पुलिस की तरफ से एक सफाई सामने आई कि गिरफ्तारी चूहे को कुचलने के मामले में नहीं बल्कि जैनूल की दुकान पर एक झगड़े के मामले में हुई है और जैनूल को धारा 151 के तहत शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खैर, मसला बिरयानी की दुकान के सामने लड़ाई का हो या फिर चूहे को मारने का, लेकिन जिस रफ्तार में यूपी पुलिस आरोपी का नाम देखकर एक्शन लेती है उससे कुछ खास किस्म के देशभक्तों को बड़े ही मजेदार किस्म की गुदगुदी होने लगती है। उन्हें ऐसी घटनाएं सुनते ही देशभक्ति के गूज़बम्प्स आने लगते हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ में देश का भविष्य और विश्वगुरु भारत का नेतृत्व नजर आने लगता है। उनका सीना गर्व से फूलने लगता है। लेकिन मजे की बात तब होती है जब देशभक्तों की यही खास जमात हाथरस में बच्ची के रेप पर या मणिपुर में नग्न परेड पर या फिर मणिपुर के फौजी की गुहार पर बेशर्म चुप्पी लगा जाती है। खैर, आने वाला वक्त इस तरह की बेशर्मियों का हिसाब किताब तो करेगा ही, लेकिन जाहिर तौर पर आने वाली नस्लें इस वक्त के सियासी पागलपन का भी पूरा ब्यौरा लेंगी और ऐसे इतिहास पर थूकने से भी परहेज नहीं करेंगी। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।